It's so beautiful, guys. I'm just loving it. Mountains around, beautiful sea, beautiful beach, everything. भैया अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? तो ये है फेथिये। फेथिये बड़ी मशहूर जगह है यहाँ की, आप देख सकते हैं रौनक मेला है, खूबसूरत हसीनाएं हैं और बहुत पैराग्लाइडिंग लोग कर रहे हैं यहाँ पे। लोग आते हैं 400 से 600 लीरा लेते हैं और पैराग्लाइडिंग करते हैं इधर लोग। और जी खूबसूरत है हर चीज़, और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ अभी, कितना प्यारा व्यू है इधर। ये देखें जी, आपका भाई फिर रहा है इस टाइम तुर्की में। ये अभी भाई जो देखे पैराग्लाइडिंग लोग करते हैं, उड़ते हुए आते हैं वहाँ से नीचे, और 400 लीरा में, 600 लीरा में। ये देखे इतने ज़्यादा लीरा जमा कर लिए कि सोने की चेनें चढ़ानी है और लोगों से ले ले के है। मज़ा आता है, लोग करते हैं पैराग्लाइडिंग भी। इस टाइम मेरे साथ तुयाना है। तुयाना का पेट का मसला है, बहुत दर्द है इसके पेट में। तुयाना, तुयाना से हेलो, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या हाल है? ठीक हूँ। ठीक है, ये भी कह रही है कि ठीक है, सब ठीक है यहाँ पे। आप पता नहीं ठीक है कि नहीं, अलबत्त बाकी सब ठीक है। खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत जगह, खूबसूरत लोग हैं, प्यारी प्यारी जगह हैं। लोग रिलैक्स कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, तो बाकी बहुत मज़े की जगह है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ है, खूबसूरत पहाड़ है मेरे पीछे, और दरिया है, पानी है, समंदर है, रंग है, खुशबू है, कलियाँ हैं, पहाड़ हैं, सब कुछ है यहाँ पे। तो तुर्की आना चाहिए, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मेरी वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि कैसे आप आ सकते हैं लीगल वे में, और यहाँ आके आप सैर करें, इंजॉय करें, ठीक है। और जो है आपका भाई जो है आज रात को जा रहा है इजमीर में, तो फेथिये में यही वीडियो थी। आप देखें खूबसूरत बीच है यहाँ पे। नेक्स्ट जो मेरा प्लान है वो ये है कि मैं जा रहा हूँ इजमीर, रात की टिकट कराई है फेथिये से, और उसने लिए जी 67 लीरा फेथिये से इजमीर जाने के, 67 लीरा उसने लिए। और अभी आप ये देख सकते हैं पीछे मेरे दुकानें हैं, है चीज़ें बहुत महंगी हैं इधर, सस्ती नहीं है, महंगी हैं। आप अगर देखें फहम व्हाट हैपन, ये फहम है, कराची से बिलोंग करता है, ट्रैवलिंग का शौकीन है, घूमता फिरता है, बड़ा अच्छा बंदा है, हेल्पिंग बंदा है। बाकी ये आप देख सकते हैं खूबसूरत चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें। चलें आपको बताते हैं, ये 20 तुर्किश लीरा की है, ठीक है, तो जो है वो 20 लीरा 40 लीरा इस तरह से इसकी यहाँ पे कीमत है, ठीक है। तो भैया आने फिर तुर्की, कैसा लगा आपको तुर्की? खूबसूरत जगह है जी, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से जगह। और आप आएँ तो छुट्टियां गुजारने आएँ भैया, कोई भी काम इलीगल ना करो, तरीके जायज़ तरीके से जिधर जाना जाओ, वापस अपने मुल्क में आओ, ताकि दोबारा कहीं भी जाना चाहो तो वो आपको आराम से वीज़ा मिल जाए। तो ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है, ये शॉपिंग सेंटर है, इकॉनमी ग्रो कर रही है तुर्की की, दोस्त मुल्क है, बहुत हेल्पिंग लोग हैं। जब पता चलता है पाकिस्तान से कहते हैं वी लव पाकिस्तान, ये वो, मैं भी फिर आवाज़ लगा देता हूँ तुर्की जिंदाबाद एंड दिस एंड दैट। सो एंजॉय करो यार लाइफ को, 4 दिन की ज़िंदगी है, उठो घूमो फिरो। अगर
अगर लड़कियां साथ हों तो सामान आपको फिर खुद उठाना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, एक बैग ये उठाया हुआ है, दूसरा बैग ये है, पीछे नज़ारा आप देख सकते हैं, खूबसूरत बीच है। तो ये है कि पानी यहाँ पे मुफ्त कहीं पे भी आपको नहीं मिलता, आप जहाँ भी चले जाएँ आपको एक लीरा, डेढ़ लीरा, दो लीरा की एक लीरा ये बोतल छोटी मिलती है, आप ये ख़रीदते हो और गुजारा करते हो फ्री में। कहीं पाकिस्तान नहीं है कि आप जहाँ भी जाओगे होटल शोटल में आपको पानी जग में पड़ा मिल जाएगा, इधर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको पानी ख़रीदना पड़ेगा, यानी कि 30 रुपये की ये छोटी सी बोतल है। बाकी ये कि खाने छाने के हिसाब से इतना महंगा मुल्क नहीं है, अगर कहा जाए कि बहुत महंगा मुल्क है ऐसा भी नहीं है, ठीक है, मुनासिब है, खाना 5 लीरा 6 लीरा में आपको मिल जाता है, अच्छा ठीक है। तो बाकी आप इधर रहें, इंजॉय करें लाइफ को, खूबसूरत जगह है, बहुत पहाड़ों में घिरा हुआ बीच है ये फतिया जगह का नाम है, आप देख सकते हैं, बाकी इट्स ब्यूटीफुल, यू मस्ट विजिट इट। बाकी ये कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग जाना चाहते हैं तुर्की में। अपना ख्याल रखिएगा, आपको मज़ीद जगह दिखाऊंगा इंशाल्लाह।